सुप्रीम कोर्ट ने सबका जज मारकंडे काटजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी लिखी, जिस विच जस्टिस काटजू ने कहा कि किसानों के वलों कोर्ट की कमेटी ठुकराने तो बाद सरकार को तुरंत कानून वापस लेने चाहिए ने, नाल ही हाई पावर किसान कमीशन का गठन करना चाहिए। मारकंडे काटजू ने लिखा कि भारत में किसान अंदोलन और इस जुड़िया परेशानियां गतिरोध तक पहुंच गई ने। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट वालों नियुक्त किए गए 4 मैंबरी कमेटी की सुनवाई के हिस्सा लैण तो इनकार कर दिया और स्पष्ट रूप में कहा कि जब तक तिने कानून रद्द नहीं किए जाते उद तक अंदोलन खत्म नहीं होगा। जस्टिस काटजू ने अगे लिखा कि भारी गिणती किसान दिल्ली की सरहदा से बैठे अंदोलन कर रहे हैं, पर 26 जनवरी दिल्ली के एंट्री कर अपने ट्रैक्टर नाल गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस दे नाल ही साफ है कि मार्च लई सरकार वालों इजाजत नहीं दी जाएगी और इसके परिणाम सदका पुलिस से CRPF वालों लाठीचार्ज से गोलीबारी की जा सकती है, जिस तो बाद हिंसा होने के आसार ने। उन्होंने अगे लिखा कि मैं यकीन है कि तुम इस तो बचना चाहोगे, मेरे दिमाग में इस परेशानी को हल करने के 2 सुझाव ने। पहला, सरकार को 3 कानूनों को तुरंत रद्द करते हुए आर्डीनेंस जारी करना चाहिए है। अगर तुम अजिहा करते हो तो सारे तुहाडी तारीफ करनगे। अगर कोई पुछता है कि कानून क्यों बनाए गए तो तुम कह सकते हो कि असी गलती की, सानू अपनी गलती का एहसास है और इस हुण असी सही कर रहे हैं। सारे इंसान गलती करते हैं, अजिहा करने वालों आलोचना तो बाद शलाघा ही होगी। दूजा, इस दिन ही सरकार ने प्रमुख किसान संगठन सरकार के मोतवर से खेती माहरां दे नाल एक सर्वोच्च शक्ति वाली किसान आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए है, जो कि किसानों की समस्या के बारे बिंदुओं के विचार करके अपनी जिम्मेवारी के नाल काम करे। किसानों उन्होंने उपज के लिए पूरे पैसे नहीं मिले, जिस करके 3 या 4 लाख किसान पहला ही खुदकुशी कर चुके हैं। इस किसान आयोग वालों कई महीने तक चर्चा की जानी चाहिए है, तो फिर जो सहमति बने उस उत्ते कानून बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कम TV।